myself Aditya, and this is my family. Here's my dad, here's my mom, and here's my brother. We are all together here at the Hude Mangalam Shubharam, and we have purchased one BHK flat here. Hi, myself Sanat Kumar, और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मेरी वाइफ राजेश्री, आदित्य सन बड़ा लड़का और ये छोटा वाला मिहिर। हम लोग कम से कम यहाँ पर महामंगलम में आए थे, जस्ट एक फ्लैट देखने के लिए आए थे, बट यहाँ का मार्केटिंग टीम इतना स्ट्रांग है जिन्होंने हमको कन्विंस कर दिया कि यह फ्लैट आपके लायक ही है, और हमें 5 सेकेंड नहीं लगा ऑडिशन लेने के लिए फ्लैट बुक कर दिया हमने। आई एम वेरी मच इंटरेस्ट विद दिस टुडे ग्लोबल्स मार्केटिंग टीम, स्पेशली मिस्टर अहमद, आई मस्ट टेक हिज नेम, मिस्टर अहमद, वो बहुत कन्वीनियंस पर्सन है एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। और हम लोग अभी फिलहाल तो नवी मुंबई कोपरखाने में रहते हैं विद आवर ओनर फ्लैट, और ये हमारा हमने जो लिया है फ्लैट वो आदित्य के लिए लिया हुआ है, एंड ही इज़ द फर्स्ट नेम एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दैट फ्लैट। और होप कि जिस तरह आज तक मंगलम डेवलपर जो टुडे डेवलपर है वो जिस तरह हम लोगों का पूरी तरह से ख्याल रख रहा है, हर एक चीज़ इंटीमेट करना, हर एक चीज़ बताना। जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ उस वक्त मंगलम जो है टुडे डेवलपर्स उनका जो फील्ड वर्क के लोग है इतना बेहतरीन लोग हैं, हम लोगों को ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए, जबकि वो एक लंबा सा प्रोसेस होता है एक लाइन लगाना, लेकिन उनका फील्डिंग इतना अच्छी तरह से उन्होंने किया है कि हमें उतना वेट नहीं करना पड़ा जितना कि हमने एक्सपेक्टेड किया था। इतना कोऑपरेटिव शॉप, इतना स्टाफ है, प्रवीण स्पेशली वहाँ पर प्रवीण ने अटेंड किया था हमको, ऐसा कुछ लोग हैं जो बहुत ही मेहनत करके इस कंपनी को आगे लेके जाने वाले हैं। आई विश टुडे डेवलपर वेरी वेरी गुड लक फॉर फ्यूचर। जब हमें पता चला इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर एक विजिट करने आए, तब आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है मिस्टर अहमद, उन्होंने हमें, उनके साथ हमारा एक सेटअप हो गया, और हम लोग का एक पहले से एक हमारा थॉट प्रोसेस में यही था कि हम लोगों को ऐसी जगह पर फ्लैट बुक करना है जहाँ पर बेस्ट हो एमिनिटीज एसेट्रा एसेट्रा। तो जब हम लोग यहाँ आए तो हमें अहमद ने इतना हमारे सामने क्लियर पिक्चर रख दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या क्या है, वो हमें अपने आँख से दिख रहा था, और वही चीज़ हम लोग का पहले से ही एक मतलब ध्यान में यही था कि ऐसा वाला ही हमें बुक करना है, ऐसा वाले सोसाइटी में ही हमको अपने बच्चों के लिए एक फ्लैट लेकर देना है। ये हम लोग का डिसाइड कब हुआ था, जब हम लोग अपने एक फ्रेंड के घर पे गए थे पूजा के लिए, तो उसका सोसाइटी में जो जो फैसिलिटीज था उससे तो 10-20% ज़्यादा ही है यहाँ पर, लेकिन हम लोग के लिए वही था कि ऐसा तो होना चाहिए कम से कम सोसाइटी, इस लोकेलिटी में हमारे बच्चे रहेंगे, उनके आने वाले बच्चे रहेंगे, तो उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्डाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस वो ये एक मेन रीज़न था कि हम लोगों ने इस फ्लैट को चूज़ कर लिया, इस साइट को। तो उसके जैसे कि अहमद ने हमें बताया कि इसके बारे में, इसके सब फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ के बारे में, इट वॉज सो इम्प्रेसिव। और ये जो दौर था जब हम लोग ने बुक किया था वो आफ्टर कोरोना वाला था, किसी का जेब में 1 रुपया नहीं होता है, ऐसा वक्त में हम लोग आके अगर हम लोगों से अगर यहाँ पर बुकिंग हो गया है तो कुछ तो बात है ये टुडे प्रचार में कि उनका जो प्लानिंग था वो सक्सेसफुल प्लानिंग है, अदरवाइज हम लोग इतना जल्दी कन्विंस होने वाले से नहीं थे। हम लोग तो सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे, सिर्फ देखने के लिए कि क्या है ये प्रोजेक्ट, लेकिन जब सामने रखा गया इस चीज़ को तो हमें हमारा जो सपना वाला ड्रीम होम बोलते हैं वो हमारे नज़दीक आ रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ यही सही है। वो जब उसका जब पूरा बात ख़त्म हुआ तो वहाँ पर ही मिल गया, हाँ यही चीज़ है जो हम लोग इतने साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे और वो हमने कर दिया। हमें तो अभी इसको ग्रैब करना था, तो वी डोंट वांट टू वेस्ट, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना था। मेरे वाइफ बोली यही है, ले लो। मैंने ओके कर दिया, ख़त्म। तो बेसिकली मैं एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। स्टार्ट में तो मम्मी पापा आए थे फ्लैट देखने, हम दोनों तो घर पे थे, तो हमको तो पता भी नहीं था कि फ्लैट लेने वाले। हम लोग के लिए ऐसा था कि ठीक है जाओ देख के आ जाओ,
तो हम लोग तो घर पे एकदम चिल करके बैठ गए थे। तो जैसे आए तो मम्मी ने बोला कि फ़्लैट ले लिया। हम लोग बोले क्या फ़्लैट ले भी लिया? तो हम लोग बोले ऐसा लगा कि मार्केट जाके आई है कि कुछ लाने का है मार्केट से सामान, तो गई मार्केट और आते आते घर लेके आ गई। तो हमारा रिएक्शन यही था कि घर ले भी लिया, फिर बताया कि मेरे नाम से लिया। तो इट्स मोर लाइक अ ब्लेसिंग टू मी लाइक उनके साइड से। तो नथिंग कैन बी मोर परफेक्ट देन दिस फॉर मी। लाइक मेरे लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लेके दिया मेरे को, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया वो। मतलब लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल उन्होंने मेरे को क्रॉस करके दिया खुद से। लाइक किसी के भी लाइफ में एक अच्छा घर लेना वो सबसे उनका सबसे अच्छा मोमेंट होता है, सबसे प्रेशियस मोमेंट होता है। तो ये मैं उनको हमेशा थैंकफुल रहूँगा कि ये स्टेप उन्होंने मुझे खुद से लेके दिया। लाइक मुझे स्ट्रगल करने दिया ही नहीं कि तुम जाओ घर देखो ढूंढो ये बात करो उधर बात करो ये ढूंढो वो ढूंढो, बिल्कुल करने दिया नहीं। उन्होंने खुद से करके दिया, फर्स्ट स्टेप मुझे लेके दिया। फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे वो फर्स्ट स्टेप लिया तो मेरे लिए आगे का जर्नी उन्होंने सिर्फ 5% मेरे लिए रखा है, 95% उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो मेरे लिए वो बहुत ईजी हो गया। फिर आते इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट लाइक दिस इज रियली वेरी परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है रोड्स का, रोड्स यहाँ पे आना जाना बहुत इजी है। यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम, जितने बार भी मैं आया हूँ मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे ट्रैवलिंग का मुझे कुछ इशू होगा। लाइक मेरा वर्क प्लेस, लाइक हमारे रिलेटिव, सब कुछ पास है यहाँ से, कुछ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा रहने के लिए। फिर आगे इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर का अगर बात करूँ, तो जो स्पीड से अगर काम चल रहा है और आगे भी जो स्पीड से हम लोग को सर्विस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले, तो देख के तो यही लग रहा है कि इट विल बी द बेस्ट। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें मुझे कोई और प्रॉब्लम्स आ सकता है कि मुझे और कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जैसा चल रहा है उससे ज़्यादा स्मूथ तो कुछ चल ही नहीं सकता है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड आई रियली वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स।